बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं में हिंदी पढ़ेंगे और हिंदी में भी व्याकरण। व्याकरण में पढ़ेंगे काव्य। क्या पढ़ेंगे अपन? पढ़ेंगे काव्य। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है ना। वह अपने भावों को, विचारों को प्रकट करता है, और जब वो अपने भाव और विचार, अपनी जो हैं बातें, जब आपस में एक दूसरे से वो क्या करता है, शेयर करता है परस्पर। जब वो अपनी करता है तो दूसरे भी अपनी विचारों, भावना उससे, दूसरों की भी भावना विचारों से अवगत होता है। और इन सब का माध्यम क्या है? अपनी वाणी। तो वाणी या शब्द के ही माध्यम से वह अपनी बातों का आदान और प्रदान करता है। यही वाणी वार्ता काव्य या साहित्य के माध्यम से व्यक्त होती है। फिर से देखते हैं एक बार कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने मन के भाव और विचारों को प्रकट करना चाहता है और दूसरों के भावों और विचारों से अवगत होना चाहता है। और वाणी ही ऐसा माध्यम है कि वह भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है। यही वाणी वार्ता, शास्त्र, काव्य या साहित्य के माध्यम से व्यक्त होती है। जिसमें ज्ञान और विज्ञान की प्रधानता हो उसे शास्त्र कहते हैं, और जिसमें भाव या प्रभाव की प्रधानता हो उसे काव्य कहते हैं। विद्वानों ने काव्य के विभिन्न लक्षण और परिभाषाएं बताई। तो जिसमें ज्ञान और विज्ञान है उसे शास्त्र कहते हैं, और जिसमें भाव या प्रभाव की प्रधानता हो, जिसमें अपने भाव, विचार, अपनी भावनाएं की प्रधानता हो, उसको क्या बोलते हैं? साहित्य या काव्य कहते हैं। अब देखते हैं कि काव्य की परिभाषा क्या है। तो आचार्य विश्वनाथ जी ने काव्य की परिभाषा को लिखा है कि रस युक्त वाक्य ही काव्य है। आचार्य विश्वनाथ जी ने लिखा है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य है। बहुत अच्छी छोटी सी परिभाषा है बच्चों, बहुत आसानी से याद हो जाती है कि रस युक्त वाक्य ही काव्य है। अब रस क्या होता है? जब अपन रस पढ़ेंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि रस का मतलब होता है आनंद। हमको किसी भी साहित्य को पढ़ने में, किसी भी काव्य को पढ़ने में जो आनंद प्राप्त होता है, जो मजा आता है, जो आनंद प्राप्त होता है, वह ही रस है। तो रस युक्त वाक्य ही काव्य है। वह काव्य जिसको पढ़ने या सुनने से में हमको आनंद प्राप्त हो, वह काव्य है। पंडित राज जगन्नाथ जी के अनुसार क्या है? रमणीय यार्थम प्रतिपादक शब्द काव्य। इन्होंने संस्कृत में भी लिखी है और उसका अनुवाद कि रमणीय अर्थ के प्रतिपादक धर्म को काव्य कहते हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी का जो शब्द या विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। अब देखते हैं, अभी तो अपन ने देखा कि काव्य की परिभाषा क्या है। तो आचार्य विश्वनाथ जी के अनुसार रस युक्त वाक्य ही काव्य है। अब देखते हैं काव्य के भेद। तो काव्य के बाह्य रूप के आधार पर ये हैं काव्य के भेद। बाह्य रूप के आधार पर दो भेद होते हैं, पद्य काव्य और गद्य काव्य। कौन कौन से होते हैं? पद्य और गद्य काव्य। पद्य काव्य में बच्चों आते हैं आपकी कविताएं, और गद्य
काव्य में, पद्य काव्य में छंद अथवा नियमित लय का प्रयोग किसी न किसी रूप में अनिवार्य रूप से किया जाता है, किंतु गद्य काव्य में इसका प्रयोग नहीं होता, क्योंकि पद्य काव्य में कविताएं आती हैं और गद्य काव्य में आपके आते हैं पाठ, आते हैं निबंध, है रचना चित्र, है यात्रा वृत्तांत आदि आते हैं। अब यहाँ पर है पद्य काव्य, तो पद्य काव्य के भी दो भेद होते हैं, पहला है प्रबंध काव्य और दूसरा है मुक्तक काव्य। है पद्य काव्य के भेद, पहला प्रबंध काव्य है बच्चों और दूसरा है मुक्तक काव्य। अब देखते हैं कि प्रबंध काव्य के किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। प्रबंध काव्य उस काव्य रचना को कहा जाता है जिसमें अनेक छंद किसी एक कथा सूत्र में पिरोए गए हो और छंदों के क्रम को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, जिसमें किसी व्यक्ति के संघर्ष या आंशिक जीवन का वर्णन किया गया हो। प्रबंध काव्य विस्तृत होता है और जीवन की विविध झांकियां रहती हैं। इसमें किसी व्यक्ति के जीवन का चित्रण चरित्र वर्णन होता है। फिर से सुनेंगे, ध्यान देंगे कि प्रबंध काव्य उस काव्य रचना को कहते हैं जिसमें अनेक छंद होते हैं और ये छंद जो क्या है, एक कथा सूत्र में बंधे होते हैं, क्रमशः बंधे होते हैं, उन क्रमों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। जैसे अगर कोई छंद तो पहले उसमें बाल्यावस्था आएगी, फिर युवावस्था आएगी, फिर वृद्धावस्था आएगी, ये क्रमशः होता है। इस क्रम को आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहले वृद्धावस्था दो बाद में युवावस्था हो, तो ये क्रमशः बंधी होती है और इसमें किसी व्यक्ति के संघर्ष का, उनके जीवन में जो आंशिक जीवन का चरित्र चित्रण होता है, इसमें किसी व्यक्ति के चरित्र का वर्णन होता है, प्रबंध काव्य कहलाता है। अब साहित्य कोश के अनुसार किसी कथा प्रसंग अथवा कहानी को लेकर लिखी गई सांगोपांग रचना प्रबंध काव्य कहलाती है। अब प्रबंध काव्य के भी दो उपभेद होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। बच्चों बहुत आईएमपी है, महाकाव्य और खंड काव्य ये आपको परीक्षा में आते ही आते हैं। आप बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिए और बहुत अच्छे से इसको याद करिए। कौन कौन से भेद है, महाकाव्य और खंड काव्य, ये है प्रबंध काव्य के दो भेद, महाकाव्य और खंड काव्य। अब देखते हैं महाकाव्य की किसे कहते हैं या महाकाव्य की परिभाषा क्या है। महाकाव्य में किसी पौराणिक या ऐतिहासिक विशिष्ट व्यक्ति का संपूर्ण जीवन चरित्र वर्णित होता है और इसका उद्देश्य महान रहता है। महाकाव्य ऐसी छंदोबद्ध कथात्मक रचना होती है जिसमें संपूर्ण युग का चित्रण महान उद्देश्य से प्रेरित होकर गरिमामय शैली में प्रभाव के साथ किया जाता है। तो महाकाव्य में किसी पौराणिक या ऐतिहासिक विशिष्ट व्यक्ति का संपूर्ण जीवन चित्रण की जीवन के चरित्र का चित्रण किया जाता है और इसका उद्देश्य क्या होता है, महान होता है। यह छंदोबद्ध कथात्मक रचना है जिसमें संपूर्ण युग का चित्रण महान उद्देश्य से प्रेरित होकर किया जाता है। अब देखते हैं कि महाकाव्य की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, महाकाव्य की विशेषताएं। ये बच्चों आते हैं परीक्षा में, आप लोग कृपया करके बहुत अच्छे से ध्यान पूर्वक सुनिए और समझिए। महाकाव्य में आठ या आठ से अधिक सर्ग होने चाहिए। आपने अगर महाकाव्य का उदाहरण है,
सर्ग मतलब होता है कि आपने अगर रामचरितमानस पढ़ी है तो आपने देखा होगा कि उसमें अलग अलग खंड है, बाल कांड है, अयोध्या कांड है, सुंदर कांड है, तो ये क्या है, ये सर्ग है और ये आठ से अधिक होने चाहिए तभी वह महाकाव्य कहलाता है। फिर है महानायक, महाकाव्य का नायक, महाकाव्य का नायक धीर लय धीर प्रशांत होना चाहिए और उसका चरित्र महान होना चाहिए। फिर महाकाव्य में शान वीर अथवा श्रृंगार रस की प्रधानता होनी चाहिए। महाकाव्य में वीर रस, शांत रस और श्रृंगार रस की प्रधानता होनी चाहिए। महाकाव्य में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकाव्य का आरंभ मंगलाचरण से होना चाहिए। देवी देवताओं की स्तुति होनी चाहिए। प्रत्येक सर्ग के आरंभ और अंत में नवीन छंद रचना होनी चाहिए। यात्रा वर्णन, नगर वर्णन और प्रकृति का मनोहारी वर्णन इसमें होना चाहिए। और महाकाव्य का प्रारंभ, जब किसी महाकाव्य का हम पठन करते हैं, पाठन करते हैं, तो उसकी शुरुआत देवी देवताओं की स्तुति से, मंगल वचन, मंगलाचरण से होनी चाहिए। अब देखते हैं कि महाकाव्य के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं जिन्होंने महाकाव्यों की रचना करी। सबसे पहला नाम आता है तुलसीदास जी का, प्रमुख कवि तुलसीदास जी। इन्होंने रामचरित नामक महाकाव्य की रचना की। फिर जयशंकर प्रसाद, इन्होंने कामायनी नामक। ये भी आता है बच्चों आपका दो नंबर का प्रश्न कि जयशंकर द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है। यह आ जाएगा कि कामायनी किस कवि की रचना है। फिर जायसी ने लिखा है पद्मावत, मैथिली शरण गुप्त ने साकेत, चंद्रवर्ता ने लिखा पृथ्वीराज रासु। अब है खंड काव्य। खंड काव्य जैसा कुछ नाम से ही आप परिचित होंगे कि महाकाव्य मतलब जो बड़ा होता, जिसका उद्देश्य महान होता, खंड मतलब जो जो जीवन की छोटी छोटी घटनाओं से लिया जाता है वह खंड काव्य कहलाता है। महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का चरित्र चित्रण होता है। तो खंड काव्य में जीवन की किसी एक घटना, एक पक्ष या एक अंश का चित्रण किया जाता है। खंड काव्य न तो अत्य का खंडित अंश प्रस्तुत करता है और ना ही महाकाव्य का अंश। खंड काव्य समग्र जीवन के सांगोपांग की अपेक्षा उसके किसी एक पक्ष का संपूर्ण चित्रण प्रस्तुत करता है। सीमित आकार में स्वतः पूर्ण खंड काव्य का अनिवार्य धर्म है। मतलब कि खंड काव्य में जीवन के किसी भी एक घटना, एक अंश या एक पक्ष का चरित्र चित्रण होता है, ठीक है। अखंड काव्य समग्र जीवन के सांगोपांग चित्रण की अपेक्षा एक पक्ष का संपूर्ण पूरा चित्रण करेगा। अगर आपकी बाल्यावस्था का किसी में प्रकृति का वर्णन, सिर्फ प्रकृति का करेगा, किस प्रकृति की किसी एक ऋतु का वर्णन करेगा, ऐसा नहीं कि उसमें सारी ऋतुओं का वर्णन। अब है खंड काव्य की विशेषताएं कौन कौन सी होती है। खंड काव्य में जीवन की किसी एक घटना अथवा मानव जीवन के किसी एक पक्ष का वर्णन होता है। मानव जीवन के किसी एक पक्ष, अभी हमने बताया था आपको, या तो वृद्धावस्था या बाल्यावस्था, किसी भी एक पक्ष का वर्णन होगा। खंड काव्य में किसी एक घटना के माध्यम से किसी महान आदर्श की व्यक्ति होती है। खंड काव्य का नायक इतिहास प्रसिद्ध होता है। इसकी कथा वस्तु पौराणिक और ऐतिहासिक विषयों पर आधारित होती है। संपूर्ण खंड काव्य में एक ही रस का प्रयोग होता है। महाकाव्य में शांत वीर और श्रृंगार रस का प्रयोग सिर्फ होता है, पर खंड काव्य में किसी एक रस का ही वर्णन होता है। और खंड काव्य में प्रधान रस श्रृंगार, शांत और रस होता है। अब है कवि का नाम खंड काव्य के और
अब इनकी प्रमुख रचनाएं मैथिली शरण गुप्त, इनके पंचवटी और जय जनक, नरोत्तम दास का है सुदामा चरित, तुलसीदास का है पार्वती मंगल, और रामधारी सिंह दिनकर का है रश्मि रथी और कुरुक्षेत्र। अब है दूसरा गुप्त काव्य। ये अपन देख रहे थे अभी प्रबंध काव्य के दो भेद, पहला महाकाव्य और दूसरा खंड काव्य। अब दूसरा है मुक्तक काव्य। तो मुक्तक काव्य एक निरपेक्ष अथवा स्वतंत्र रचना है। इसमें एक अनुभूति, भाव या कल्पना का चित्रण होता है। मुक्तक काव्य का प्रत्येक छंद अपने आप में स्वतंत्र, पूर्ण तथा रस की अनुभूति कराने में समर्थ होता है। किसी विशेष मानवीय भावना को प्रकट करने के लिए चुभती हुई उक्ति, कथन, प्रकृति चित्रण हेतु मुक्तकों का प्रयोग किया जाता है। मुक्तक काव्य के उदाहरण में सूर, तुलसी, मीरा, कबीर, रहीम और बिहारी के दोहे हैं। अब है काव्य महाकाव्य, प्रबंध काव्य और महाकाव्य में अंतर। प्रबंध काव्य और महाकाव्य में अंतर। प्रबंध और महाकाव्य में अंतर। तो पहले, सभी प्रबंध काव्य महाकाव्य नहीं हो सकते, जबकि सभी महाकाव्य प्रबंध काव्य हो सकते हैं। सभी प्रबंध काव्य महाकाव्य नहीं हो सकते, किंतु सभी महाकाव्य प्रबंध काव्य हो सकते हैं। प्रबंध काव्यों में छोटी बड़ी कथाएं होती हैं और महाकाव्य की कथा विस्तृत होती है। प्रबंध काव्य में जीवन की शक्ति और शैली उतनी महान नहीं होती, पर महाकाव्य में शैली और जीवन की शक्ति अपेक्षाकृत महान होती है। किसी व्यक्ति किसी की कथात्मक काव्य को प्रबंध काव्य कह सकते हैं, किंतु किसी कथात्मक काव्य को महाकाव्य नहीं कह सकते। अब है महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। तो महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है और खंड काव्य में जीवन का संपूर्ण चित्रण नहीं होता, किसी एक घटना का चित्रण होता है। महाकाव्य का नायक महान होता है, खंड काव्य के लिए यह गुण अनिवार्य नहीं। महाकाव्य दीर्घ आकार लिए होता है और खंड काव्य का आकार लघु होता है। महाकाव्य में समग्र युग चित्रित होता है, खंड काव्य में युग जीवन का एकाधिक युग ही चित्रित होता है। अब है प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर। तो प्रबंध काव्य में एक कथा होती है और मुक्तक काव्य में कथा के स्थान पर भाव और विचार होते हैं। प्रबंध काव्य में एक कथा होती है, मुक्तक काव्य में कथा के स्थान पर भाव और विस्तार होते हैं। प्रबंध काव्य में छंदों की तारतम्यता होती है और मुक्तक काव्य में छंदों की निर्बंधता। प्रबंध काव्य विषय प्रधान होते हैं और मुक्तक काव्य विषय प्रधान होते हैं, उनके निजात्मकता का समावेश होता है। अब है दृश्य काव्य। कि काव्य का प्रमुख प्रकार है, इसके अंदर है दृश्य काव्य का रंगमंच पर अभिनय किया जाता है, जैसे नाटक, एकांकी दृश्य काव्य के उदाहरण है। दृश्य मतलब देखना। आपने ये बेटा बहुत छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य वह है जो हम आँखों से देख सकते हैं, और श्रव्य काव्य जो हम सुनकर जिस चीज का आनंद लेते हैं वह श्रव्य काव्य होता है। अब श्रव्य काव्य इस प्रकार कि काव्य का आनंद पढ़कर या सुनकर लिया जा सकता है, जैसे कविता, कहानी, उपन्यास आदि। दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य में अंतर है कि दृश्य काव्य को रंगमंच पर अभिनीत होते देखकर आनंद लिया जा सकता है, और श्रव्य काव्य को पढ़कर या सुनकर। नाटक तथा एकांकी दृश्य काव्य के उदाहरण है, कहानी, उपन्यास श्रव्य काव्य के उदाहरण है। बच्चों, आज यहाँ पर काव्य आज हमने पढ़ा, आप इसको अच्छे से याद करेंगे, पहले तो वीडियो देखेंगे, फिर अपनी कॉपी पर नोट करेंगे,